व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्टसिस लाइफस्टाइल। तो आज का जो रेसिपी है वो है मेथी मटर मलाई एग करी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीडियम साइज ऑनियन और एक ग्रीन चिली, जिसको ऑनियन को मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसका मैं अभी एक पेस्ट बनाऊँगी। चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 4 हार्ड बॉयल एग, इसको मैंने पहले ही चीरा लगा दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड रेड चिली। इसको हम अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे इसके साथ। देखिए जो ऑनियन का पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब कुकिंग शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल दिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है एग को। एग को हमें शैलो फ्राई करनी है, जस्ट इसके ऊपर एक हल्का सा कोट करनी है, इसको हार्ड फ्राई नहीं करनी है। हार्ड अगर फ्राई हो गया तो एग का जो टेस्ट है वो चला जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। फ्राई होने के बाद मैंने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है। अब उसी सेम कढ़ाई में मैंने और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारे जीरा, मतलब क्यूमिन सीड्स एंड ड्राई रेड चिली को। जब जीरा चटकना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे ऑनियन और ग्रीन चिली पेस्ट को। मैंने यहाँ पे 1 ग्रीन चिली डाला है। आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर इसमें हम लोग मलाई डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा तीखा अच्छा भी नहीं लगेगा। ऑनियन को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। जब ऑनियन अच्छी तरीके से भून जाए तब इसमें ऐड कर देना है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। इस रेसिपी में साबुत जिंजर या गार्लिक अच्छा नहीं लगता है। जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे ड्राई स्पाइसेस को, जैसे हल्दी, कोरिएंडर। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से भूनना है कि उसका जो रॉ स्मेल है वो चला जाए, नहीं तो जो कुकिंग में जो स्वाद आना चाहिए वो नहीं आएगा। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये रेड चिली पाउडर। ये जो है ये तीखा वाला रेड चिली पाउडर है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ी कलर के लिए। सारे मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ड्राई मेथी या कसूरी मेथी। आपके पास अगर फ्रेश मेथी है तो आप उसे ऐड कीजिए, बट फ्रेश मेथी है तो जीरा, जब हमने जीरा डाली थी, जीरा डालने के बाद ही आपको मेथी को डाल देना है, क्योंकि मेथी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 1.5 मिनट अच्छी तरीके से मसाले के साथ मेथी को भून लेने के बाद इसमें हम ऐड कर दिया है फ्रेश जो पीस है, मटर को हमने ऐड कर दिया है, इसको भी भून लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ किया है, आप फ्रेश मटर भी ऐड कर सकते हो। अगर फ्रेश मटर आप ऐड कर रहे हो तो आपको मेथी के साथ ही ऐड कर देना है पहले ही। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1/4 कप पानी और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। नाउ मैं ऐड कर रही हूँ मेन चीज़ जो है मिल्क। ये रूम टेम्परेचर में जो नॉर्मल मिल्क है मैंने वही यूज़ किया है। इसको पहले सबसे पहले मैंने 1 कप डाला है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। फिर दूसरे कप मैं धीरे धीरे यूज़ किया है और अच्छी तरीके से हमें इसको लो फ्लेम में ऐड करके स्टायर करना है। उसके बाद इसको मैं ढक दूंगी और 2 मिनट इसको ऐसे ही पकाऊंगी लो फ्लेम में। मिल्क डालने के बाद हमें फ्लेम को ज़्यादा हाई में नहीं रखना है, लो या मीडियम के बीच ही इसे रखना है। मेरा सॉल्ट थोड़ा मुझे कम लगा टेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से सॉल्ट ऐड किया है और ढक के इसको कुक करने के लिए छोड़ दिया है। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हम मैं इसको ऐड कर रही हूँ चॉप्ड ग्रीन चिली। चिली आप आपके हिसाब से ऐड कीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम तो कम। चलिए देख लेते हैं ग्रेवी को। इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं होता है,
तो ग्रेवी आप आपके हिसाब से रखना है आपको। मेरे लिए एक ग्रेवी सही है। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे एग को। एग जो है उसको मैंने बीच से काट के दो हिस्से में डिवाइड कर लिया है। थोड़ा एग को हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ और इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ हैंडफुल ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर। अब मैं इसमें ढक दूंगी तो हमारी जो एग का मटर मलाई मेथी एग करी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए आप मेरे चैनल में और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो, मैं उसे ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।